What I have is what I want. What I want is what I have. अरे, इन दोनों में से सही सेंटेंस कौन सा है? दोबारा सुनिए. What I have is what I want. What I want is what I have. क्या हुआ? जवाब मिला आपको? या और कंफ्यूज हो गए? खैर, डरिए मत. आपके इस कंफ्यूजन को दूर करेगा आज का ये हमारा लेसन. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मायरा और आप देख रहे हैं लर्नएक्स. आज के इंग्लिश लेसन में हम सीखेंगे हैव और वांट का मतलब और उसके इस्तेमाल. तो ये वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए. लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी रिमाइंडर, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले सारे इंग्लिश लेसन्स की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए लेसन शुरू करते हैं. सबसे पहले देखते हैं हैव का मतलब और उसके कुछ इस्तेमाल. हैव का सबसे साधारण मतलब होता है होना, मगर एग्जैक्टली क्या होना? कुछ भी होना या कोई चीज़ होना, तजुर्बा होना, जिम्मेदारी होना, कोई विधि होना या फिर कोई क्रिया होना. जैसे मेरे पास एक स्मार्टफोन है, आई हैव अ स्मार्टफोन. मेरा एक छोटा भाई है, आई हैव अ यंगर ब्रदर. मेरे पास माँ है, आई हैव अ मदर. आई, यू, वी और दे जब भी किसी सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं उसके साथ हमेशा हैव का प्रयोग होगा. मेरे पास एक पालतू बिल्ली है, आई हैव अ पेट कैट. मुझे इस एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, आई हैव टू स्कोर वेल इन दिस एग्जाम. मेरी इच्छा हो ना हो मगर इस बार अच्छे मार्क्स स्कोर करना मेरी ज़रूरत है, इसलिए आई हैव टू. आप अपने दोस्त को भी यही एडवाइस करते हैं. आप कहते हैं तुम्हें इस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, यू हैव टू स्कोर वेल इन दिस एग्ज़ाम. आपका तीसरा दोस्त भी वहीं आता है और आपकी बात सुनकर वो कहता है हमें इस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, वी हैव टू स्कोर वेल इन दिस एग्ज़ाम. आपकी बात आपके एक टीचर ने सुन ली, वो अपनी कॉलीग से कहती है उन्हें इस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, दे हैव टू स्कोर वेल इन दिस एग्ज़ाम. तो देखा आपने कैसे हमारे चारों सिचुएशंस में हैव का इस्तेमाल किया. लेकिन अगर सेंटेंस में ही या शी का प्रयोग होगा तो हैव की जगह हमें हैज़ का इस्तेमाल करना होगा. हैज़ हमेशा एक व्यक्ति के बारे में बात करते वक्त ही इस्तेमाल होगा. देखते हैं कैसे. आप अपने किसी स्टूडेंट को देखकर अपने दोस्त से कहते हैं उसे इस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, ही और शी हैज़ टू स्कोर वेल इन दिस एग्ज़ाम. यहाँ एक और बात आप याद रखें कि जब भी हम फ्यूचर टेंस में बात कर रहे हों, यानी हैव से पहले अगर सेंटेंस में विल लगता है तो हमेशा हैव ही इस्तेमाल होगा, हैज़ नहीं. मुझे अच्छी पढ़ाई करनी होगी, आई विल हैव टू स्टडी हार्ड. उसे अच्छी पढ़ाई करनी होगी, ही और शी विल हैव टू स्टडी हार्ड. हमें अच्छी पढ़ाई करनी होगी, वी विल हैव टू स्टडी हार्ड. शुरुआत में ये सारे रूल्स आपको थोड़े कंफ्यूज कर सकते हैं, मगर यकीन मानिए जैसे जैसे आप इन्हें अपनी लैंग्वेज में इस्तेमाल करेंगे वैसे वैसे ये आपको आसान लगेंगे. आगे बढ़ते हैं. हैव का पास्ट टेंस यानी भूतकाल होता है हैड. मैंने पिछले साल अच्छे मार्क्स लाए थे, आई हैड स्कोर वेल लास्ट ईयर. मेरे पास एक इम्पोर्टेड बाइक थी, I had an imported bike. आप किसी अनुभव को बयां करने के लिए भी have या had का इस्तेमाल कर सकते हैं. कैसे? देखते हैं. मुझे कल
maza aaya. I had a good time yesterday. College ka pehla din romanchak raha. I had an exciting first day at college. Aapko is job ke liye 2 saal ka anubhav hona zaruri hai. It is mandatory to have 2 years of experience for this job. Mandatory ka matlab hota hai zaruri. Have ka istemal khane peene ki baate karte waqt bhi ho sakta hai. Jaise ki, kya aap chai piyenge? Will you have a cup of tea? Restaurant mein waiter aapse aakar poochte hain, aap saada paani piyenge ya mineral water? Will you have regular water or mineral water? Aap paani thanda lenge ya regular? Would you have it cold or regular? Starters mein aap kya lenge? What would you like to have for starters? Aap desserts mein kya khana chahenge? What would you like to have for dessert? Jab aap kisi kriya yani action ke bare mein baat kar rahe hain, tab bhi have ka istemal hota hai. Kaise? Jaise mujhe jana hai. I have to leave. Mujhe apne mobile ka bill bharna hai. I have to pay my mobile phone's bill. Mujhe khana banana hai. I have to cook. Priya ko khana banana hai. Priya has to cook. To is tarah aap have ke kai tariqo se istemal kar sakte hain. Chaliye aage badhte hain aur samajhte hain want ka matlab aur uske istemal. Want ka matlab hai किसी चीज की चाह या जरूरत होना. आइए इसे बेहतर समझते हैं कुछ एग्जांपल्स की मदद से. मैं इंग्लिश सीखना चाहती हूँ. I want to learn English. मैं कामयाब होना चाहती हूँ. I want to be successful. मैं खाना खाना चाहती हूँ. I want to have lunch. अगर दिन के खाने की बात हो रही है तो लंच कहेंगे और अगर रात के खाने की बात हो रही है तो डिनर कहेंगे. मैं खुश रहना चाहती हूँ. I want to be happy. Want का past tense होता है wanted. उन्हें ज़्यादा पैसे चाहिए थे. They wanted more money. मुझे बड़ी कार खरीदनी है. I want to buy a bigger car. जब एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही हो तब भी हम want इस्तेमाल करेंगे. उन्हें थोड़ा समय और चाहिए. They want more time. उन दोनों को एक ही जॉब चाहिए. They both want the same job. लेकिन जब एक व्यक्ति की बात हो want के बजाय wants का प्रयोग होगा. समीर को थोड़ा और समय चाहिए. Sameer wants more time. Pooja ko wahi job chahiye. Pooja wants the same job. Iske alawa, jab bhi past tense mein baat kar rahe ho, want ki jagah wanted ka istemal hoga. Unhe thoda aur samay chahiye tha. They wanted more time. Priya ko wahi job chahiye thi. Priya wanted the same job. अब हम डालते हैं एक नज़र इस वीडियो की शुरुआत में पूछे गए सवाल पर. मैंने आपको सेंटेंस बताए थे और पूछा था दोनों में से कौन सा सही है. ये सेंटेंसेस कुछ ऐसे थे. What I have is what I want. What I want is what I have. आइए समझते हैं इन दोनों सेंटेंस के मतलब. मेरे पास जो है वही मुझे चाहिए. मतलब what I have is what I want. जो मुझे चाहिए वही मेरे पास है. What I want is what I have. इसका मतलब है दोनों ही सेंटेंस सही है. हाँ, है ना मज़ेदार. Have और want बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं जो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं. आज के लेसन में आपने जो बातें सीखी उन्हें याद रखें और इस्तेमाल करें. इंग्लिश लैंग्वेज कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे
उतनी ही बेहतर होगी और उतनी ही बेहतर आप सीखेंगे. अगर ये इंग्लिश लेसन आपको अच्छा लगा तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए. मैं जल्दी मिलूंगी आप सब से किसी नए इंग्लिश लेसन के साथ. तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय.